उधर से तो ठीक से नहीं दिख रहा था, अभी पीछे वाले छत पर है और देखो सभी लोग अपना अपना कपड़ा उतार रहे हैं। बोले थे ना बरसात होने वाला है, देखो क्या ही तगड़ा बरसात हो रहा है। 3 दिन से तो लगातार बरसात हुई और फिर शाम में मतलब जाना है एक दो जगह, वो तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा कि कहाँ जाना है। बाकी सच में बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो में देखो छाता तो है, बट छाता मतलब तभी काम आता है जब आपको बगल में जाना हो, जैसे कि चौक पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मी अनदर ब्लॉग। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी दोपहर का वक्त है, दोपहर के बज रहे 12:30, सो गुड आफ्टरनून। और गाइस देखो बाहर का मौसम, भाई साहब इतने दिनों के बाद आज जाके थोड़ा धूप निकला है, बट मुझे पता है ज्यादा देर ये निकलेगा नहीं, क्योंकि देखो बादल तो हर तरफ है गाइस, हर तरफ। और गाइस आज का शुरुआत मतलब कि आज का ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है छत पे से गाइस। और सोचिए बहुत दिनों के बाद छत पे आए, तो सोचिए छत पे से ही वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आप लोग को भी दिखलाते हैं। मौसम बहुत ही मस्त है गाइस, तो आज सोचे कि छत पे ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोग को भी थोड़ा मस्त मस्त व्यू दिखलाते हैं गाइस। वैसे बारिश अभी हर जगह हो रहा है गाइस, तो इससे क्या हो रहा है ना कि जितना भी रिवर है, जितना भी नदी वगैरह है, जितना भी मतलब तालाब है, ये सब भर चुका है गाइस। तो आज संभावना है कि मतलब बाढ़ आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है गाइस। बाकी देखो रहते रहते धूप निकल जाता है, रहते रहते छांव हो जाता है। और देखो अभी कितना कड़ाके या धूप निकल गया, बट बादल देखो उधर अभी भी बादल है। और गाइस आज खाना में बना है कुछ स्पेशल, मतलब कि स्पेशल में बना है केला का कोफ्ता, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे सच में बहुत ही मस्त लगता है और बहुत दिनों के बाद बना है। तो चलते हैं खाना खाने के लिए और फिर दुकान में भी जाना है और फिर शाम में मतलब जाना है एक दो जगह, वो तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा कि कहाँ जाना है। बाकी सच में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और बस मौसम बहुत मस्त है, क्या ही बादल है यार, हमको तो लग रहा है कि बादल जमीन पर आता जा रहा है और उस तरफ नदी है गाइस। बाकी चलते हैं नीचे, क्योंकि धूप निकलता है ना तो भयंकर गर्मी लगने लगता है और नहाकर भी रेडी हो चुके हैं, तो चलते हैं खाना खा लेते हैं। तो गाइस आ चुके हैं नीचे और ये देखो ये रहा खाना लगता है, तो चलते हैं गाइस खाना खा लेते हैं। तो गाइस गए थे गौ माता को रोटी खिलाने के लिए, क्योंकि आज बुधवार है ना। तो गाइस खाना कंप्लीट हो चुका है और गौ माता को रोटी देना था, मम्मी दी थी, मतलब कि आज बुधवार है ना, तो आज पहला रोटी गौ माता को खिलाना चाहिए। वैसे तो हमेशा खिलाना चाहिए, बट आज के दिन अब बुधवार के दिन पहला रोटी मतलब गौ माता को खिलाना चाहिए। तो गाइस जल्दी से गौ माता को देकर आ चुके हैं और खाना भी कम्प्लीट हो चुका है और फिलहाल आ चुके दुकान में, तो बैठते हैं अब दुकान में। ऑलराइट गाइस वापस घर पे आ चुके हैं और बाहर का मौसम देखो भाई, क्या ही आंधी चल रहा है और मौसम देखो, बादल देखो भाई साहब, ये देखो क्या ही तगड़ा नेक्स्ट लेवल हवा चल रहा है यार। और बादल देखो बहुत ही मस्त, और इतना तेज हवा चल रहा है ना कि देखो पूरा गेट वेट सब बंद। और बड़ी मम्मी जा रही ऊपर कपड़ा लाने के लिए गाइस, मतलब कि उतारने के लिए, सूखने के लिए रखी थी। सच में मस्त यार, अब बारिश तो होने वाला है बहुत तगड़ा भाई। वैसे भी 3-4 दिन से तो कंटिन्यू हो ही रहा है, आज भी होगा। क्या ही मौसम है यार, यही तो चाहिए। वाह नेक्स्ट लेवल भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। तो गाइस अब देखो उधर से तो ठीक से नहीं दिख रहा था, अभी पीछे वाले छत पर है और देखो सभी लोग अपना अपना कपड़ा उतार रहे हैं। मौसम देखो भाई, सो गाइस भाभी भी कपड़ा लेकर जा चुकी है नीचे, क्योंकि बरसात तो होने वाला है बहुत तगड़ा। बड़ी मम्मी दौड़ते हुए छत पर गई थी क्योंकि ऊपर भी कुछ कपड़ा था, तो बड़ी मम्मी भी उतार चुकी है और मम्मी भी इधर कपड़ा उतार रही है। खतरनाक भाई, खतरनाक, यही तो चाहिए, यही चाहिए गाइस। तो गाइस बोले थे ना बरसात होने वाला है, देखो क्या ही तगड़ा बरसात हो रहा है। 3 दिन से तो लगातार बरसात हो ही रहा है और आज भी बरसात हो रहा है। अरे वाटर प्रूफ है देखो गाइस, क्या ही खतरनाक बारिश हो रहा है ना। चिल चिल मौसम है गाइस, एकदम मस्त चिल वाला। चलो बाहर से भी दिखलाते हैं। ये देखो गाइस, लेट्स चेक दिस आउट। अब क्या चाहिए गाइस, क्या चाहिए बताओ। धूप से तो बहुत ही ज्यादा सुकून है गाइस, धूप से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। धूप में जलने से अच्छा है कि आज बरसाती हो और बरसात का मजा लेते हैं गाइस। पर एक बात है गाइस, बरसात होता है ना तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा सुकून।
क्या ही तेज बारिश हो रहा है ना। और तीन दिन से ऐसा ही बारिश हो रहा है, बस यही है कि 5-10 मिनट के लिए रुक जाता है, फिर तेज होने लगता है, और इस वजह से कहीं भी नहीं जा पाते यार, झपास मार रहा है। बहुत मस्त। सो गाइस, फिलहाल तो शाम हो चुका है और बाहर का मौसम सुहाना हो चुका है, और मम्मी अब जाएंगी सांच जलाने के लिए, मतलब कि पूजा करने के लिए जाएंगे। और बाहर का मौसम सच में ठंडा हो गया, और थोड़ी देर पहले ही बरसात खत्म हुआ है, और मौसम सच में बहुत मस्त सुहाना मौसम हो गया है। सो गाइस, पूजा हो चुका है, सांच जल चुका है, और बरसात फिर से बाहर होने लगा गाइस, फिर से। अभी हल्का फुल्का हो रहा है, आपको उतना नहीं दिखेगा, हल्का फुल्का हो रहा है, बस यही कि हल्का फुल्का होते होते फिर तेज हो जाता है। और यार कहीं नहीं जा पा रहे यार, आज मार्केट भी जाना था, एक दो काम था और दवा भी लेना था, बट बरसात फिर होने लगा है। अभी हल्का हो रहा है इसलिए आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा शायद, और ये रहते रहते तेज हो जाएगा, क्योंकि देखो बादल ऊपर बहुत ही भयंकर बादल है गाइस, देखो पूरा काला काला बादल। सो गाइस, मम्मी बना रही है रात का खाना, वैसे सब्जी सुबह में बना था कोफ्ता केला का, वही है, और बस रोटी बना रही है यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या चाहिए, भुजिया है और घेरा का भुजिया भी है गाइस। और गाइस घेरा को और क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट जरूर बताना, मम्मी तो नीनुआ कुछ करके ऐसे बोल रही है, आप लोगों की तरफ क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बाहर तो बादल लगाया हुआ बहुत तगड़ा वाला, वैसे सुबह से ही बरसात हो ही रहा है, रात में भी बरसात होगा ही, और अभी तो पहले बरसात फिर बंद हुआ है, फिर होता है बंद हो जाता है, और फिर होने लगता है वो भी बहुत तेज। भाई कोई नहीं, मम्मी बना रही खाना, और थोड़ी देर में चलेंगे खाना खाने के लिए, और पापा भी दुकान बनाकर आ ही जाएंगे थोड़ी देर में। ऑलराइट गाइस, खाना बन के रेडी हो चुका है, तो चलते हैं खाना खाने के लिए। और देखो ये रहा खाना, रोटी और केला का कोफ्ता है, तो चलते हैं गाइस खाना खा लेते हैं। सो गाइस, फिलहाल डिनर कंप्लीट हो चुका है, और बरसात बाहर फिर से बहुत तेज हो रहा है, और गाइस जितना भी काम रहता है ना सारा पेंडिंग हो रहा है, बिकॉज कहीं नहीं जा पा रहे, कहीं भी नहीं जा पा रहे, इतना बारिश होने लगता है ना गाइस, मतलब कि बारिश तो कंटिन्यू होता ही है, मतलब 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए मतलब स्लो होता है, या फिर कहो ऐसा कि बंद हो जाता है, बट उसके बाद फिर तेज होने लगता है, मतलब कि जितना भी कुछ काम रहता है मार्केट का वो नहीं हो पाता है, दवा भी लाना था वो भी नहीं हो पाया गाइस, और मार्केट में एक दो काम था वो भी नहीं हो पाया, बिकॉज कहीं नहीं जा पा रहे बरसात की वजह से। और देखो छाता तो है, बट छाता मतलब तभी काम आता है जब आपको बगल में जाना हो, जैसे कि चौक पे जाना हो या अगल बगल में कहीं जाना हो, बट मेरा जो काम है गाइस वो मार्केट का है, और बाइक पर मतलब अकेले छाता लेकर जाना पॉसिबल नहीं है गाइस, और अगर साथ में कोई रहेगा ना तब भी बाइक पे छाता लेकर जाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाइक चलेगा लाजमी है 30-40-50 के मतलब स्पीड में चलेगा ही, और वो छाता मतलब कहाँ जाएगा ना, वो उल्टा पुल्टा होकर वो तो भगवान ही जाने। तो यही बात है, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, और इस वजह से व्लॉग भी नहीं ठीक से बना पा रहे हैं, और ज्यादा लंबा व्लॉग भी नहीं बना पा रहे गाइस, और क्या ही कर सकते हैं बरसात का। बट गाइस एक चीज है, मुजफ्फरपुर में बरसात एकदम न के बराबर होता है, एकदम न के बराबर, और अभी मानसून चल रहा है, अभी बरसात हो रहा है, तो इसका बुराई भी नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि कर सकते हैं बिकॉज मुजफ्फरपुर में बरसात बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए बरसात का भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है गाइस, तो बरसात हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है। बट यही है कि मतलब एक चीज अच्छा होता है तो एक चीज खराब हो जाता है, जिससे कि मतलब खराब ये होता है कि कहीं भी नहीं जा पा रहे, बट क्या कर सकते हैं अब। तो चलो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना गाइस, जिससे कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और गाइस अपने भाई को सपोर्ट करो यार, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जितने भी बिहार मुजफ्फरपुर से लोग देख रहे हैं प्लीज सपोर्ट करो गाइस, तो चलो बाय। Sleep.